अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपको एक नई रेसिपी बना रही हूँ, वही दिखा रही हूँ, कीमे के कोफ्ते बनाऊँगी। जो मटन होता है उसी के हैं, तो आप सभी देखते रहें और एंजॉय करते रहें। ये डाला मैंने, पहले मैंने ऑयल डाला था तवे में, फिर उसके बाद मैंने आप ऐड कर दिया है। अब इसको ना अच्छे से मैं भून लूँगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना इसको, वरना जल जाएगा ना तो फिर इसकी अच्छी खुशबू नहीं रहेगी। तो हल्का ही ब्राउन करना है हमको, ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहना है जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाए। और जैसे ही ये ब्राउन हो जाएगा ना, तो एकदम इसे दूसरे बर्तन में कर लेना है। अब मैंने ये गैस ऑफ कर दी है, अब दोबारा से मैंने ऑयल डाल दिया है इसमें। अब उसके बाद में देख लीजिए मैं क्या करती हूँ, ऑयल को ना मैं अच्छे से फैला लूँगी तवे पे, जल्दी से गर्म हो जाएगा। फिर मैंने ये हरी मिर्च और प्याज तली, क्योंकि इस तरीके से अगर करके डालते हैं ना कि मैं मिक्स करके करते हैं, तो उसका टेस्ट ना और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम कच्ची मिला देते हैं तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं रहता, तो इसी वजह से ना मैंने ये फ्राई कर ली थी दोनों चीज़ें। फ्राई करने के बाद मैंने सब सारी चीज़ें ये पीस ली हैं, जिसमें है चने और बादाम है, काजू है और मींगे हैं और नारियल है थोड़ा सा। ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, और ये जो धनिया भुना था मैंने, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और डाल दिया है साथ में नमक, जितना मतलब हमारे हसबे जायका हो इतना ही डालना। आप भी कभी आप मेरे तरीके से डाल दो, क्योंकि मेरा तो कीमा ज़्यादा था तो मैंने ज़्यादा डाला, आप अपने हिसाब से डालना। उसके बाद मैंने गरम मसाला डाला था, फिर ये मसाला पीसने के बाद ना मिक्सर में फिर मैंने ये कीमा बारीक किया था और ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा मोटा मोटा था ना, तो फिर मैंने बारीक कर लिया था और पेपर ना चल रहा है इस तरीके से हो गया था ये बारीक होने के बाद। फिर मैंने इसमें हरी मिर्चें और जो मैंने प्याज भूनी थी मतलब फ्राई की थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। उसके बाद मैं इसमें ये मसाला भी ऐड कर दूंगी, सारा मसाला इसमें अच्छे से ऐड करके, और फिर मैं इसमें हरा धनिया और ऐड करूंगी। सारी जो मसाले थे ना, मैं सारे मिक्स कर लूंगी इसमें इस टाइम, और थोड़ी सी मैं हरी मिर्च सॉरी लाल मिर्च भी ऐड करूंगी इसमें, और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाला मैंने, और थोड़ी सी लाल मिर्च और डालूंगी मैं, सूखी लाल मिर्च पाउडर। अब इसको ना मैं अच्छी तरीके से ना हाथ से मिक्स करूंगी, क्योंकि वैसे तो नहीं होगा ना, चम्मच से अच्छी तरीके से नहीं होता, तो मैंने हाथ से कर लिया था। फिर मैंने किया ये मसाला तैयार, उसके लिए एक प्याज कट कर किया था मैंने, और हल्दी ऐड की है इसमें। फिर उसके बाद ना खूब सारा धनिया डाला था मैंने, 4-5 चम्मच, चम्मच थी छोटी ना तो 4-5 चम्मच डाला था, क्योंकि इसका मसाला भी ज़्यादा होना चाहिए ना, ज़्यादा थे कोफ्ते इसीलिए। और ये डाली लाल मिर्च, और यहाँ पर मैंने बना कर ये तैयार रख लिए थे। आप इनको ना कैसी भी शेप दे सकते हैं, मैंने तो गोल गोल बनाए थे, और आप अपने तरीके से कैसे भी शेप दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और फिर मैंने इसमें ना ऑयल डाल दिया था कढ़ाई में, फिर मैं इसको ना पहले अच्छे से फ्राई कर लूँगी कोफ्ते को, क्योंकि फ्राई करके बनाते हैं ना तो ज़्यादा टेस्ट आता है। अगर हम ऐसे ही डायरेक्टली मसाला भून कर बनाते हैं ना, वो भी मैं दिखाऊंगी कभी आपको इसकी रेसिपी भी, तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता जितना इस वाले का होता है। अच्छा, फ्राई करने से ना इसका टेस्ट और दुगना हो जाता है, तो मैंने इसीलिए ना ये आपकी बार मैंने इस तरीके से बना कर देखे, एक दो बार और बनाए थे मैंने इससे पहले, तो अच्छा टेस्ट लगा था उससे भी ज़्यादा। और टाइम तो खैर इतना ही लगता है जितना वैसे बनाते हैं ना, वैसे लगता है इतना, ऐसे ही ऐसे भी इतने लगता है। तो यहाँ पर मैं फ्राई कर रही थी इनको, देख लीजिए इस तरीके से फ्राई किया था मैंने, ब्राउन कर लेना आप गोल्डन, ज़्यादा नहीं करना, ब्लैक नहीं करना है, हल्का हल्का ब्राउन करना है। और आधे हो गए थे और आधे बचे थे तो उनको मैं कर रही हूँ।
और यहाँ पर मेरे हो गए थे सारे तैयार। अब मैं इसमें ना मसाला जो मेरा था वो ही डाल दूँगी मैं इसमें, प्याज हरी मिर्च वाला ये था मसाला, उसी को मैंने डाल के अब मैं फ्राई कर लेती हूँ इसको, अच्छे से भूनूंगी। जब तक ये ऑयल छोड़ देगा तब तक मैं इसको भूनती रहूँगी। देख लीजिए इस तरीका का हो चुका है। तो अब मैं इसमें ना ये डाल दूँगी जो मैंने कोफ्ते फ्राई करके रखे थे, वही मैं अब इसमें ऐड कर देती हूँ। और फिर ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी जो कि अच्छे से भून जाए। तो इसी मसाले में मुझे थोड़े अच्छी तरीके से इनको पकाना है पहले। और फिर उसके बाद इनका लुक हो चुका था ये फाइनल। आप सभी को कैसी लगी आज की रेसिपी, और आप सभी बताना, आ जाइए आप सभी भी खा लीजिए। फिर इसके बाद हम खाना खाने के बाद फिर हम चले गए थे अपने दूसरे वाले घर। तो फिर वहाँ पर जाकर मुझको याद आया कि मैं आप सभी को ये वाला घर भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने ये घर नहीं दिखाया है ना आपको। तो मैंने सोचा मैं कि थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं। तो ये अभी थोड़ा तैयार हुआ है, तो बना है ये दोबारा से। ये बच्चे खेल रहे थे इधर, और ये सारा थोड़ा सा दिखाया मैंने आपको। अगर आप कहोगे ना तो मैं इसका पूरा वीडियो भी लेकर आऊँगी, आप वेट करना। और आपको जैसा भी लगे आप कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय, फिर मिलूँगी अगली वीडियो में, इंतज़ार करना अगली वीडियो का। बाय।